पोकेमॉन बैटल पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच के बॉन्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को शो करता है। 21 साल में हमने बहुत सी ऑसम बैटल्स को देखा है, लेकिन कुछ ऐसे बैटल्स भी हैं जो हम अभी तक भुलाया नहीं जा सकता। सो हेलो पोके आर्मी एंड वेलकम बैक टू सुपर डुपर हिंदी, और मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ टॉप 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्टली पोकेमॉन की वीडियो ही देखने को मिलती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 एश वर्सेस शोता सेमीफाइनल बैटल। पोकेमॉन एक्स वाई जेड की सीरीज में अगर मुझे एशो ऐलान के बाद सबसे बेस्ट फाइट लगी तो वो थी एशो शोता की सेमीफाइनल बैटल्स। दोनों ही ट्रेनर दिल लगाकर खेलते थे। दोनों ही ट्रेनर्स अब पोकेमॉन बैटल में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाकर एक दूसरे से फाइट करते थे। स्पेशली इन दोनों की बैटल देखने लायक थी सेमीफाइनल बैटल में। दोनों ही ट्रेनर्स डिफेंसिव और अटैक्स मूव एक दूसरे पर यूज कर रहे थे। स्पेशली इनकी एंड की बैटल तो देखने लायक थी, जब ग्रीनिंजा और मेगा सेप्टाइल एक दूसरे से बैटल कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। दोनों एक दूसरे पर अपने पावरफुल अटैक्स यूज कर रहे थे, बट लेकिन एंड में एश का ग्रीनिंजा इस मैच को जीत जाता है। इस मैच से हमको देखने को मिला कि श्रोता ऐसा न्यू ट्रेनर भी अगर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाकर गेम को खेले तो वो भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को टक्कर दे सकता है, यहाँ पर अपने पोकेमॉन्स पर भरोसा रखता है और उस बैटल को जीत जाता है। नंबर 4 एश वर्सेस गैरी जोटो लीग बैटल। एश और गैरी की बैटल बहुत से पोकेमॉन फैंस की फेवरेट है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बैटल प्रूव करती है कि हमें कभी भी अपने राइवल को वीक नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पर गैरी एश को वीक समझ लेता है और सोचता है कि एश कभी भी उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन गैरी को प्रूव करने के लिए एश कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करता है। वो अपने चारिज़ार्ड को चारिज़ार्ड वैली में छोड़ देता है और साथ ही साथ वो अपने बाकी के पोकेमॉन्स को भी टफ ट्रेनिंग देता है, ताकि जब उसकी बैटल गैरी से हो तब वो उसको बराबर की टक्कर दे सके और गैरी को हरा सके। और हमें जोटो लीग में एशो गैरी का शानदार मैच देखने को मिलता है, जहां एंड में एश का चारिज़ार्ड गैरी के ब्लास्टोइस को हरा देता है। यहां चारिज़ार्ड को डिसएडवांटेज होता है क्योंकि वो फायर टाइप पोकेमॉन होता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग काम में आती है और वो ब्लास्टोइस को हरा देता है। और यहां पर एश प्रूव कर देता है कि वो गैरी से अच्छा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। नंबर 3 एश वर्सेस टोबियास सिनो लीग सेमीफाइनल बैटल। अगर हम इस बैटल को ध्यान से देखें तो ये बैटल थोड़ा अनफेयर था, क्योंकि एक तरफ टोबियास के लेजेंडरी पोकेमॉन थे और दूसरी तरफ एश के नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन थे। लेकिन फिर भी ये बैटल देखने में मजा आया, क्योंकि इस बैटल में सस्पेंस भरा हुआ था कि आखिर एश के पोकेमॉन टोबियास के लेजेंडरी पोकेमॉन को कैसे टक्कर देंगे। लेकिन फिर भी हमें इस बैटल में देखने को मिला कि एश के पोकेमॉन इतनी क्षमता रखते हैं कि वो टोबियास के लेजेंडरी पोकेमॉन डार्कराय और लेटियास को हरा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस बैटल में देखा होगा कि सेप्टाइल टोबियास के डार्कराय को हरा देता है और पिकाचू टोबियास के लेटियास को हरा देता है। तो इस बैटल से हमें पता लगता है कि आखिर एश के पास भी इतने अच्छे पोकेमॉन हैं कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन को टक्कर दे सकते हैं। भले ही ये एश वाला मैच हार गया हो, लेकिन ये मैच देखने लायक था और मैं इस मैच को भी भुला नहीं सकता। नंबर 2 एश वर्सेस एलान फाइनल बैटल। एश एंड एलान की बैटल एक ऐसी इपिक बैटल है जो कोई भी पोकेमॉन फैन भुला नहीं सकता। इस बैटल में पोकेमॉन और उनके ट्रेनर्स ने अपनी पावर्स की लिमिट को क्रॉस कर दिया था। इस बैटल में चाहे वो एश के पोकेमॉन हो या चाहे वो एलान के पोकेमॉन हो, दोनों एक दूसरे को अपने पावरफुल अटैक से आंसर दे रहे थे। इस बैटल में हमें टाइम टू टाइम पर सस्पेंस देखने को मिला और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस बैटल में फाइनल विनर कौन होगा। इस बैटल में हमें मेगा वर्सेस बॉन्ड रिवॉल्यूशन फाइट देखने को मिली। अब तक जितनी भी फाइट्स हमने पोकेमॉन लीग में देखी है, ये अब तक की बेस्ट फाइट है। इस बैटल में स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और पोकेमॉन की फुल पावर देखने को मिली, इसलिए ये बैटल एक इपिक बैटल की कैटेगरी में आती है। नंबर 1 एश वर्सेस पॉल सेमीफाइनल बैटल। एश एंड पॉल की बैटल एक ऐसी इपिक बैटल है जो मैंने एश वर्सेस एलान के बाद पोकेमॉन में कभी भी नहीं देखी। बिल्कुल जबरदस्त बैटल। लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर इस मैच का विनर कौन होगा। दोनों ही ट्रेनर्स अपने कॉम्बिनेशन मूव्स का यूज कर रहे थे एक दूसरे पर अटैक और प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो वीजल की वाटरगन शील्ड हो या गैस्ट्रोडॉन की मडी वाटर शील्ड हो। एश और पॉल की बैटल पहले भी हो चुकी है,
जिसमें पॉल हमेशा ऐश से दो स्टेप आगे रहा है। लेकिन इस बार सिनोलिक की बैटल में ऐश ने भी पॉल को टेंशन में डाल दिया था, क्योंकि इस बार ऐश अपने फुल फॉर्म में था। स्पेशली इन दोनों की सबसे एंड की बैटल देखने लायक थी, जब इलेक्ट्रोवाइव वर्सेज इन्फनेप की बैटल होती है। वहाँ इन्फनेप अपनी ब्लिस एबिलिटी पर कंट्रोल करना सीख लेता है और इस एबिलिटी को देख कर पॉल शॉक हो जाता है, क्योंकि जब चिमचार पॉल के पास था तब वो अपनी ब्लिस एबिलिटी पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और इस एबिलिटी का नतीजा ये होता है कि एंड में पॉल वो मैच हार जाता है और ऐश इस बार वो मैच जीत जाता है और ऐश की इज्जत डूबने से बच जाती है। ये थी मेरी लिस्ट, लेकिन आप लोग अपनी भी लिस्ट कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा। और आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है सुपर डुपर पोकेमॉन कम्युनिटी, जहां आप जैसे ही बहुत सारे पोकेमॉन फैंस हैं। तब तक के लिए आप मेरी बाकी की वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।